वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसे कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग मारुति कार्स इन 2023 नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल जितनी भी मारुति की तरफ से न्यू गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं उन गाड़ियों के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। हमारी लिस्ट में पहली गाड़ी है मारुति जिम्नी। जैसा कि आप सामने देख पा रही हैं, ये तब की इमेज है जब ये गाड़ी टेस्टिंग में थी लद्दाख में। जैसा कि आप सामने देख पा रही हैं, इसके पीछे आपको ग्रैंड विटारा भी देखने को मिल जाएगी। सो इससे ये पता लगता है कि 2023 में ये गाड़ी 100% इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। फर्क यही है कि इंटरनेशनली आपको जिम्नी में 3 डोर्स देखने को मिलते हैं, पर जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी इसमें आपको 5 डोर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहली जिम्नी से काफ़ी लंबी होने वाली है 5 डोर्स जिम्नी। सो अगर बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, आपको बेसिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे आपको महिंद्रा थार में देखने को मिलते हैं। एंड इंजन की बात करें, इंजन आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको सेम ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। ग्रैंड विटारा एंड मारुति जिम्नी में फ़र्क यही रहने वाला है, आपको ग्रैंड विटारा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ देखने को मिलती है, पर आपको मारुति जिम्नी 4x4 के साथ देखने को मिल जाएगी विद 2 गियर्स, 4x4 लो एंड 4x4 हाई, जिससे कि इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बेटर हो जाएंगी। थार में भी आपको 4x4 देखने को मिलता है, सो इससे पता लगता है कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड। सेकेंड गाड़ी की बात करें वो है मारुति स्विफ्ट 2023। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में स्विफ्ट काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है एंड इसका 2023 में फेसलिफ्ट आ जाएगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आपको इस गाड़ी में ऐसी लुक्स देखने को मिलेगी जो पहले से काफ़ी शार्प है। थोड़े बहुत एक्सटीरियर चेंज देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि फ्रंट से आपको न्यू स्टाइल की फुल LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे एंड बैक से फुल LED टेल लैम्प्स, बाकी साइड से आपको न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर में आपको इस बार सनरूफ भी देखने को मिल जाएगा 2023 स्विफ्ट में। बाकी आपको ढेर सारे फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही, जैसे कि 360° कैमरा जैसे फीचर्स। एंड अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में, इस गाड़ी में आपको 2023 में हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली टोयोटा एंड मारुति ने पार्टनरशिप की है एंड टोयोटा के पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपको ग्रैंड विटारा में फुल हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है वो बेसिकली टोयोटा का इंजन है, 3 सिलेंडर फुल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। सो 2023 में टोयोटा एंड मारुति दोनों मिलकर स्विफ्ट में आपको एक हाइब्रिड इंजन दे सकते हैं, ये भी 80-90% कन्फर्म है। बाकी इसमें आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल जाएगा, जो आपको सेम बलेनो RS में देखने को मिलता था। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी 2023 स्विफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे विद ऑल बेसिक फीचर्स, जैसे कि ABS-EBD हिल असिस्ट जैसे फीचर्स। पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, वो भी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी इन स्विफ्ट 2023 में। इसके साथ भी वही केस रहने वाला है जो बलेनो के साथ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, बलेनो का 2022 मॉडल आपको ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बलेनो। सो स्विफ्ट 2023 भी आपको जो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी होने वाली है वो बेटर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू टूडे स्विफ्ट। हमारी लिस्ट में थर्ड गाड़ी है मारुति सुजुकी इनोवा। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा एंड मारुति के बीच में पार्टनरशिप है कि वो एक दूसरे की गाड़ियां कॉपी करके यानी कि रीबैच करके बेच सकती हैं, पर अभी तक टोयोटा ने ही मारुति की गाड़ियां कॉपी करी हैं, जैसा कि आप जानते हैं बलेनो एंड ब्रेजा। पर 2023 में अब मारुति की बारी है कि टोयोटा की इनोवा वो कॉपी करेगा एंड उसको अपना बैच लगाकर बेचेगा, यानी कि मारुति सुजुकी इनोवा। पर जब ये गाड़ी लॉन्च करेगा 2023 में, बस यही फर्क रहने वाला है कि टोयोटा की जगह मारुति का बैच होने वाला है। बाकी आपको सब सेम देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंजन, एक्सटीरियर लुक्स, सीट्स, कंफर्ट, फीचर्स सब सेम होंगे एज नॉर्मल इनोवा। बस फर्क यही होने वाला है कि इस गाड़ी का नाम अलग होने वाला है, इनोवा तो बेसिकली नहीं होगा, कुछ और नाम सोचेगी मारुति कंपनी, बाकी सब आपको इनोवा वाला ही देखने को मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में फोर्थ गाड़ी है बलेनो क्रॉस 2023 में। बलेनो का क्रॉसओवर मॉडल यानी कि बलेनो क्रॉस आने वाली है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये तब की इमेज है जब ये गाड़ी टेस्टिंग में थी। फ्रंट लुक की बात करें, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको सिमिलर लुक देखने को मिलेगी फ्रंट से, जो आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलती है। साइड लुक की बात करें, साइड से ये बलेनो से थोड़ी हाइट में ज़्यादा होने वाली है, पर आपको डोर्स बलेनो वाले ही देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स,
बैक लुक की बात करें, बैक से ये गाड़ी टोटली चेंज होने वाली है। आपको इसमें फुल LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, जो पहले से बड़े होने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बलेनो। एंड आपको इसके रूफ में सनरूफ भी देखने को मिल सकता है, छोटा देखने को मिलेगा, फुल पैरानोमिक नहीं देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, डैशबोर्ड का स्टाइल आपको नॉर्मल बलेनो जैसा ही देखने को मिलेगा। आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे इंटीरियर में जो आपको बलेनो में देखने को मिलते हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स। बाकी आपको वही गाड़ी देखने को मिलेगी अंदर से, सीट्स भी आपको फ्रंट टू बलेनो वाले ही देखने को मिलेगी। बैक सीट में आपको ज़्यादा रूम देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं ये क्रॉसओवर मॉडल है, तो इस गाड़ी में स्पेस ज़्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बलेनो। बाकी कोई भी फर्क नहीं होने वाला, थोड़े बहुत फीचर्स ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस गाड़ी में आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा छोटा साइज का। इंजन की बात करें, इंजन आपको इस गाड़ी में एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल स्विफ्ट में देखने को मिलता है, एंड एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो आपको बलेनो RS में देखने को मिलता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का ब्रेजा का इंजन देखने को मिलेगा। अगर इस गाड़ी में आपको ब्रेजा का यानी कि 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन दे दिया, सो इससे इस गाड़ी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो ये गाड़ी बजट में नहीं बैठेगी कई लोगों के। एंड अगर मारुति को इस गाड़ी को सक्सेसफुल लॉन्च करना है इंडियन मार्केट में, उसके लिए इसका प्राइस डेफिनेटली ग्रैंड विटारा से तो कम रखना ही पड़ेगा मारुति को। बाकी अगर ब्रेजा से भी थोड़ा कम हो जाए तब ये गाड़ी हिट हो सकती है। एंड कुछ लोग बलेनो क्रॉस 2023 को कह रहे थे कि ये एस क्रॉस का रिप्लेसमेंट है। मैं उनका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि एस क्रॉस एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वो इंटरनेशनली नोन प्रोडक्ट है, उसको आप बलेनो से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं पर्सनली बलेनो की बात करूँ, बलेनो का प्लेटफॉर्म एकदम बेकार ही है। जैसा कि आप जानते हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम बेकार देखने को मिलती है। एंड आप एक बलेनो को एस क्रॉस जो कि इंटरनेशनली नोन प्रोडक्ट है उससे कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। एस क्रॉस का बलेनो कॉम्पिटिशन नहीं है। बाकी आपको सस्ते में एक बढ़िया सी क्रॉस ओवर देखने को मिल जाएगी। एंड अगर बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बलेनो। एंड इस गाड़ी में आपको रिम का साइज भी 1 इंच ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बलेनो। सो ये थी मेरी वीडियो अबाउट अपकमिंग मारुति कार्स इन 2023 नेक्स्ट ईयर। हमारी पहली गाड़ी थी मारुति सुजुकी जिमनी 2023 फाइव डोर। हमारी सेकंड गाड़ी थी स्विफ्ट 2023, जिसमें आपको हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी देखने को मिल सकता है। थर्ड गाड़ी की बात करें, वो है मारुति इनोवा। बेसिकली ये टोयोटा इनोवा ही होने वाली है, बस इसमें टोयोटा के लोगों की जगह आपको मारुति का लोगो देखने को मिलेगा। फोर्थ एंड लास्ट गाड़ी की बात करें, वो है बलेनो का क्रॉस ओवर मॉडल यानी कि बलेनो क्रॉस। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।